होते हैं। आपका नाम? प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हैं सर। ये इस मांग को लेके आपने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी कोई इस तरीके का सवाल रखा? जी सर, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के पास 5 सितंबर को भाई सत्येंद्र यादव के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया था। उसमें उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोगों ने हमारे प्रेरकों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। हमारा प्रेरक 54 दिन तक लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी मिनिस्टर और भारत सरकार का कोई भी मंत्री हम लोगों से पूछने के लिए नहीं आया। 2000 रुपये मात्र हम लोगों को मानदेय मिलता है, अभी 35 महीने का मानदेय वो भी बकाया हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रेरक 1,25,000 है और TV चैनल पर मात्र 35,000 दिखाया जा रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है पूरी तरीके से प्रेरकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को, उत्तर प्रदेश के रोजगार सेवकों को, उत्तर प्रदेश के अन्य जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रेरकों के मानदेय में वृद्धि क्यों नहीं किया गया? इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए गया था। और उसके पहले माननीय जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब इनकी केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संविदा कर्मियों की रैली की थी, जिसमें हमारे कम से कम 1.5 लाख संविदा कर्मी, होमगार्ड, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा बहू गए थे। माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी कराऊंगा, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए। उत्तर प्रदेश का प्रेरक एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का काम किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद प्रेरकों के मानदेय देने की बात छोड़ दीजिए, प्रेरक अपनी बात को मनवाने के लिए गया तो उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए ये आज प्रेरक यहाँ पर आंदोलन आर्य भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुजा जी, मोनू पंडित जी और अमरजीत सिंह जी, सत्येंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।